गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज मैं गणेश मेकअप का ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। आईब्रो को हाइड करूँगा मैं। आईब्रो को हाइड करने के लिए मैं क्रायलॉन का स्पेशल प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ स्पैचुला से। पहले मैंने ब्रश कॉम किया है आईब्रोज को, जिससे हमारे हेयर स्ट्रोक्स एकदम ऊपर की तरफ हो जाएंगे। मैंने रिसेंटली हो गया टाइम मैंने हनुमान जी का मेकअप डाला था, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया है। इसी वजह से मैं इसका शॉर्ट तो डाल चुका हूँ, तो मैंने इसका एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया कि आप लोग को अच्छा लगे दिखने में। आईब्राउज़ को ब्लॉक करेंगे हम पाउडर से। आप ट्रांसलूशन पाउडर को एक बड़े पफ की हेल्प से पूरे आईब्राउ पे ब्लॉक कर देंगे, जिससे हमारी आईब्राउज़ एकदम से लॉक हो जाएंगी और ये ईजिली हाइड हो जाएंगी। अब आईज़ पर अप्लीकेट करेंगे हम कंसीलर। तो यहाँ पर मैं थिक कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं फॉरएवर का लगा रहा था, लेकिन उसके बाद में मैंने लगाया यहाँ पे लॉरियल इन्फेलेबल। इसमें भी बहुत ज़्यादा कवरेज होता है और बहुत अच्छा कंसीलर, मस्ट हैव कंसीलर, आपकी वैनिटी में होना चाहिए। इसको डैप डैप करते करते आप ब्लेंड कर देंगे। अगर आपको और फिनिशिंग में आईब्राउज़ का लुक चाहिए, आईब्राउज़ और हाइड करना है, देन आपको आईब्राउज़ पे ऑरेंज करेक्टर या फिर थोड़ा सा डार्क कंसीलर अप्लाई करना होगा, उसके ऊपर आप लाइट कंसीलर लगाइए। अब आईब्राउज़ मुझे फेक ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी पतली, लाइक लॉर्ड की तरह जैसा होता है आइडल्स में होते हैं, उस तरीके से मुझे थोड़ा सा पतला सा स्ट्रोक ड्रॉ करना है। लेकिन मेरी ये वाली मेहनत जाएगी ख़राब। क्यों? क्योंकि अभी मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आप लोग खुद देखिएगा। क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग तो पहले किया हुआ है ना। तो आईब्राउज़ दोनों मैंने बना ली हैं, उसको और फिनिशिंग में कंसीलिंग करेंगे हम। एक लाइट कंसीलर को फ्लैट ब्रश में लेते हुए हम आईब्राउज़ को कर देंगे कंसील। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं आई शेडो। तो मैंने डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है। हम क्रीज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे। देन थोड़ा सा पीची टाइप का ऑरेंज कलर मैंने ब्लेंड किया, लाइट कलर आई मेकअप को और ब्लेंड करने के लिए। आई बॉल मैंने ब्लैंक छोड़ रखा था, जिसमें मैंने शिमर लगाया है। और यहाँ पे मैं लाइनर यूज़ कर रहा हूँ, विंग लाइनर करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा भी लगा दूंगा क्योंकि मैं फॉल्सेस भी यूज़ करूँगा, लेकिन पहले मस्कारा कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके आईब्राउ आईलेसिस पे थोड़ा पाउडर रोल होगा। और ये है मेरी ट्रंक सूंड जो मैंने बनाई हुई है प्रोस्थेटिक स्टफ से, उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो अब मैं यहाँ पे श्रेयॉन का ही फाउंडेशन ले रहा हूँ, और ये फाउंडेशन में भी कवरेज बहुत अच्छा था, जिसे मैंने अपने ट्रंक में भी सूट पर भी अप्लाई करके देखा। अब इस सूट को मैं प्रोसीड की हेल्प से चिपकाऊँगा। क्रायलॉन का प्रोसीड मैंने लिया है, उसको चिपकाने के बाद मैं मर्जिंग करूँगा। मर्जिंग के लिए मैं यहाँ पर लेटेक्स और कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ। कॉटन और लेटेक्स से फिनिशिंग आ जाएगी और साइड एजेस जो हैं वो सारे फिल हो जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी में काम किया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैं पहले से प्लान कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया। तो ये मैंने किया हुआ है रात में 1 बजे तक मेकअप। मैं शाम को 6-6 बजे से स्टार्ट किया था मैंने करना प्रिपरेशन, किया भी करूँगा। तो ऐसे करते 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 मेरा 1 बजे तक मेकअप कंप्लीट हुआ है। अब आपने देखा मुझे आईब्राउज़ दोबारा बनानी पड़ी क्योंकि वो फाउंडेशन में हाइड हो गई। आप थोड़ा सा मैट आई शेडो लेंगे हम, डार्क रेड कलर, ब्राउन कलर, जिससे हम फेस में थोड़ा सा शेडिंग करेंगे नोज़ ट्रंक के सूट के साथ साइड में। और यहाँ पे हम लाइट कलर का हाइलाइटर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ग्लोइश इफेक्ट लेने के लिए। और ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पर टिंट यूज़ किया है, फोरहेड पर लगाया है येलो कलर, और अपने ईयर्स को चिपका दिया है मैंने। मैंने बहुत अच्छा प्लान किया था, मैं और अच्छा कर सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे तिलक ड्रॉ कर लिया है, अपने दांत लगा दिए हैं और ज्वेलरी पहन ली है। तो कैसा लगा आप सबको ये लोग? आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा भी नहीं लगा तो भी बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट हमें बहुत अप्रिशिएट करती हैं, हम ऐसे मोटिवेट होते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम और भी नए नए कंटेंट लेके आएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मेरा दांत भी निकल गया, अगर गंदा कमेंट करोगे तो आप, इसलिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक